सो गाइस कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड सबसे पहले गाइस आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली मुबारक हो। सो गाइस यार इंजॉय करना इस होली पे, एंड इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। तो आपको क्या करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड वहाँ से प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर लेना। अगर एक्सएमएल में करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, दोनों लिंक हैं वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। देन आपको अपने लाइट मोशन को ओपन करना एंड यार गाइस इजिली से क्रिएट हो जाएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना एंड इंजॉय करना, ठीक है गाइस। सो लाइट मोशन ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आपको आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना। सो प्लस के राइट साइड में प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे एंड पहला आपको बिटमॉगल प्रोजेक्ट गाइस कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जहां के पहले से ये सारा मतलब कि क्रिएट किया हुआ। तो आपको ज्यादातर कुछ नहीं करना, आपको बस अपने इमेज को इंपोर्ट करना है एंड आपका आपको जो है इफेक्ट लगा के अपने वीडियो को क्रिएट कर लेना। तो आपको कुछ इस वाले पॉइंट पे आ जाना गाइस। देन प्लस वाले आइकन पे मीडिया के ऑप्शन में जाना एंड इस टाइप से इमेज देखने को मिलेगा। तो इमेज पे टैप करना एंड ये पहले से क्रॉप्ड है। अगर आपके पास क्रॉप्ड इमेज नहीं है तो वो मैं बताता हूं कैसे करना। तो आपको यहां सिंपल से ये इमेज को सिलेक्ट करना, अगले बिटमार्क पे जाना एंड इस वाले से एक्स्ट्रा पार्ट कट करना, थ्रेड पे टैप करना, फिल कंपोजिशन एरिया, मूव एंड ट्रांसफर से कुछ स्टेप्स इसको मिडल में कर लेना। देन आपको फिर से बैक जाना, प्लस वाले आइकन पे मीडिया के ऑप्शन में यहां से आपको इमेज को सिलेक्ट करना, कुछ स्टेप्स से जूम करना, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन से क्रॉप करना। देन फिर से प्लस पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में एंड यहां से इमेज को सिलेक्ट करना, स्टेप से जूम करना गाइस, अगले बिटमार्क पे जाके इस टाइप से क्रॉप कर लेना। देन फिर से प्लस पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में एंड होप गाइस आप सब समझ गए होंगे इसी टाइप से आपको क्या करना, एंडिंग तक सभी फोटोज को क्रॉप कर लेना, ठीक है गाइस। सॉरी क्रॉप नहीं करना, आपको यहां से इंपोर्ट कर लेना, उसके बाद एक इफेक्ट लगाना होगा। तो एंडिंग तक आप इंपोर्ट कर लोगे तो इफेक्ट लगाना। तो बैक चलते हैं एंड यहां पे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में आएंगे। कुछ इस तरह से एक इफेक्ट है, बस एक इफेक्ट है एंड यही आपको कॉपी पेस्ट करना। तो आपने इस पर टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थिएटर पर टैप करके कॉपी इफेक्ट करना। देन बैक जाना, आपको जब अपने बिटमॉग वाले में आ जाना देन आगे की ओर जाना गाइस एंड यहां पे इमेज है जितने सारे भी उन सभी पे पेस्ट कर लेना। तो पेस्ट कैसे करना, आपको इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थिएटर पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट। इसी टाइप से गाइस आपको एंडिंग तक सिंपल से पेस्ट करते जाना। आपको इस पे टैप करना इमेज पे, इफेक्ट के ऑप्शन में थिएटर पे जाके पेस्ट। देन आगे की ओर जाना, इस पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थिएटर पे जाके पेस्ट। सो इसी टाइप से एंडिंग तक आप पेस्ट कर लेना। उसके बाद एसजीआर प्रीसेट आप पे डिपेंड है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो बैक जाना। आपको जो अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ऑन करना, इस टाइप से होल्ड करके रखना, दोनों को सिलेक्ट करना, देन डबल डबल पे टैप करना, कॉपी टू लेयर। देन बैक जाना गाइस, आपको जो अपने बिटमॉग वाले में आ जाना एंड आ जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपल से स्टार्टिंग में आना, डबल डबल पे टैप करना एंड पेस्ट टू लेयर। सो इस टाइप से ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एंडिंग में जाना गाइस, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना एंड नीचे जो फर्स्ट वाला आइकन है आपने इस पे टैप करना एंड ये जो एंडिंग तक आ जाएगा। सो गाइस कुछ इस से वीडियो को बनाया एंड एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग रहे माइकल से, सो उस पर टैप करना, वीडियो पे टैप करना, एक्सपोर्ट पे टैप करना एंड फाइनली जो जो एक्सपोर्टिंग पे लग जाए।